मैं बताना चाहूंगा सर, भगवान हमको खराब परिस्थितियां दे सकता है, ये उसके हाथ में है, लेकिन उन परिस्थितियों से हम कैसे गुजरेंगे ना, ये हमारे हाथ में है ना, ये हमारे हाथ में, ये उसके हाथ में नहीं है। फिर परिस्थितियां खराब हो सकती हैं ना, यस खराब हो सकती हैं, खराब हो सकती है। ईश्वर तय करता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे और हम तय करते हैं कि कैसे गुजरेंगे। किसी आदमी की ना आपकी सेहत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक उसकी ना को तुम अपने दिल तक उतरने नहीं देते। किसी का औकात नहीं है तुमको मना करके तुम्हारा दिल तोड़ जाए जब तक तुम खुद अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहते। हजारों लीटर पानी, हजारों गैलन पानी, करोड़ों गैलन पानी, अरबन गैलन पानी किसी समुद्री जहाज का बाल बांका नहीं कर सकता जब तक वो उसको अंदर घुसने ना दे। अंदर घुसेगा तो ही डुबो सकता है, नहीं तो कितना ही पानी क्यों ना हो, कितना ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता दोस्त। तो असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत जिम्मेदारी के साथ, मुझे नहीं पता कि कौन सी शक्ति है। देखो कोई ईश्वरीय शक्ति ना होती है यार, मैं हमेशा से बोलता हूं, जब जो कुछ अप्रत्याशित होता है ना उसमें आपका हाथ नहीं होता कभी भी। जो कुछ भी अप्रत्याशित हो रहा है उसमें कभी आपका हाथ नहीं है, वो पावर पीछे से कुछ और चल रही है। मैं हमेशा से बिलीव करता हूं, जो इम्पॉसिबल था आज से कुछ साल पहले अगर वो आपके लिए पॉसिबल हो रहा है तो ये आपका क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट किसी और का है। कभी जिंदगी में क्रेडिट मत लेना, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है यार। कौन सी है ये मैं नहीं जानता, मौजूद है ये मुझको पता है, और वो उन परिस्थितियों में काम करती है जब आप निर्णय कर लेते हैं कि कितनी भी नेगेटिविटी हो जाए मैं आगे ही बढ़ता जाऊंगा, और वो आपको सपोर्ट करती है। वो फिर आपको सपोर्ट करती है जब आप पीछे हटने से मना कर देते हैं। मैं नहीं जानता सर, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम ये कौन सी शक्ति है। मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि ये मौजूद है, और यह इंसान को उसी मानसिक अवस्था में मिलती है जब वह ठीक ठाक जान लेता है कि वह क्या चाहता है, और फिर उसे पाने के लिए मैदान ना छोड़ने के लिए तैयार रहता है। ये शक्ति है, यही है, और आपके साथ लगी है जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा यार। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार, बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों की टेंडेंसी रहती है वो आपको तंग करेंगे। एक गांव में 100 घर हैं और 100 के 100 घर में लाइट नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं है, सब मस्त रहते हैं गांव के लोग, ठोकर भी नहीं लगती, आराम से जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, पानी पीते हैं, सो जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। कहीं से गांव का व्यक्ति कहीं से शहर जाके एक दिया खरीद लाया और तेल खरीद लाया और उसने जला दिया, और 99 ने देखा किसी के घर में शाम को 7 बजे अब रोशनी चालू आई। अब पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने दुखों से दुखी नहीं रहते, दूसरों के सुखों से दुखी रहते हैं। अब दुख आया तो उसको निवारण का उपाय खोजो। निवारण के 2 उपाय हैं कि वो 99 लोग शहर जाएं, एक एक लाएं, अपना अपना जलाएं और मस्त रहें, और दूसरा 99 का बाजार जाना मुश्किल है, 1 का बुझाना यही लोग तुम्हारे साथ करेंगे, यही लोग तुम्हारे